सुप्रभातम बच्चों, मेरे कक्षा 8 के प्यारे प्यारे बच्चों, आपका सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुधीर द्विवेदी आज आपको हिंदी साहित्य के माध्यम से एक ऐसी वस्तु स्थिति, सामाजिक भावना, सामाजिक व्यवहार से परिचित कराना चाहूँगा, जिसे सुनकर के हृदय में अत्यंत क्लेश होता है, देख करके पीड़ा होती है। आइए, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा एक लेख है, बूढ़ा कुत्ता। बूढ़ा कुत्ता के माध्यम से हम सब सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। अब पाठ में प्रवेश करने से पूर्व, जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले का नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उससे लाभान्वित हो सकें। बच्चों, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने जो पाठ लिखा है, वह पाठ है बूढ़ा कुत्ता। कुत्ता को पाठ में लेने का महत्वपूर्ण अभिप्राय ये है कि कुत्ते को हम सब अपने जीवन के व्यवहार में प्रयोग करते हैं, पालते हैं। और आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु अगर है तो कुत्ता ही है। तो एक बूढ़ा कुत्ता है, वह कुत्ता, उसके शरीर में खौरा रोग लग गया है। बच्चों, खौरा रोग वो होता है जो सारे शरीर में खुजली डाल देता है, और वो कुत्ते को तब होता है जब कुत्ते की जीवन की अंतिम घड़ियां होती हैं। उसके जीवन के कुछ दिन शेष रह जाते हैं तब उसे खौरा रोग लग जाता है। तो ये कुत्ते को खौरा रोग लग गया है। बार बार ही खुजलाने से उसने क्या किया है, शरीर पर घाव बन गए हैं। घाव से रक्त बहता है, रक्त से पीव बहने लगा, उसके शरीर से बदबू आने लगी है, और वह इधर उधर, इसका पेट खराब होने से गंदगी करता है। अब उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई। उसके साथ में सामाजिक व्यवहार क्या होता है, जरा देखें। यह कुत्ता जहां कहीं भी जाता है, बार बार दुत्कारा जाता है। लेखक कहता है कि ये मेरे घर पर बरामदे में चढ़ने का प्रयास करता है, आकर के बैठ जाता है, लेकिन जब कोई वहां पर होता है तो उसे बार बार दुत्कार करके ढाट कर फटकार कर भगा देता है। ये आकर के बैठता है, अपने पिछले पैरों के बल बैठ करके पूंछ हिलाता है, दोनों पैरों को उठा करके अपनी आंखों से कुछ कहना चाहता है, देखने लगता है। लेखक कहता है, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। जो ही यह घर की ओर बढ़ता है तो इसके ऊपर दुत्कार की, फटकार की बौछार होने लगती है। फिर भी ये नहीं मानता है तो इसके ऊपर झाड़ू, छड़ी, खड़ाऊं, जूतों की मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक मार असह्य ना हो जाए, और जब मार असह्य हो जाती तो यह कुंकू कर करके भाग खड़ा होता है, नीचे उतर जाता है, किंतु वहाँ नीचे उतरने के बाद बैठ जाता है, वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता। यह टुकुर टुकुर करके मेरा मुँह देखता रहता है। मैं उसकी आंखों को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर के पीड़ित होता। एक बार मेरे कुछ मित्र मेरे घर पर आए, उन्होंने इस कुत्ते को देखा तो उन्होंने मुझे सलाह दी, मशविरा दिया। एक मित्र ने कहा, इसे कुचला खिला दो, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, गोली से उड़ा देता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है किसकी बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकलता। बहुत दिन से हमारे घर पर है, इसका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ बड़ा हुआ, इसका बचपन कहाँ बीता नहीं पता। एक समय की बात है, दोपहर के समय मैं खाट पर लेटा हुआ था कि ये कुत्ता नीचे आ गया होगा। ये खाट के नीचे आकर के बैठ गया,
हाट के नीचे की जमीन इसे सुखद लगी, वहीं पर लेट गया और गर्मी से परेशान थका हुआ ये बार बार हांफ रहा था। एक समान ताल में हांफने की आवाज़ सुनकर के मेरी आंखें खुल गईं। आंखों को खुलने के बाद मैंने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने खाट के नीचे देखा तो ये इस कुत्ते को देखा। उस कुत्ते को देख करके मैंने देखा इसकी आंखों में एक सजल भाव। मैंने अतु अतु करके इसे बुलाया परंतु इसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन भयभीत होकर के बाहर नहीं आया। मैंने इसके लिए दाल भात लेकर के रखा, इसने दाल भात खाया। दाल भात खाने के बाद में ये लेट गया, मैं भी लेट करके सो गया। शाम के समय मैं गांव में भ्रमण करने के लिए निकला तो ये भी मेरे साथ पीछे पीछे दौड़ पड़ा, चल दिया। रास्ते में कुछ कुत्तों ने इस पर भौंके, दौड़े, ये मेरी पैरों के बीच में आकर के खड़ा हो जाता। मैंने उन कुत्तों को डांट करके भगा दिया। धीरे धीरे इस कुत्ते ने उन कुत्तों के साथ में दोस्ती बना ली, अब उनके साथ ही घूमने लगा। घर पर अच्छा खासा भोजन प्यार पाकर की एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया था। रोएं चिकना गए थे, बदन में दाग मिट गए, जैसे जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी आज वह हमारे घर और आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी इसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील, पिलपिला, कमजोर अब एक सबल युवक बन गया था। गाँव से दूर हटकर मैंने खेतों पर मकान बनाया। अब घर की मकान की सुरक्षा करने के लिए, प्रहरी रखने के लिए धन नहीं था और जगह भी कैसे, कहां तक जाए। अब उस घर की सारी सुरक्षा का भार इस कुत्ते पर था और ये कुत्ता भी इतना सजग। जो ही हम सब सोने चले जाते यह कुत्ता जाग कर मकान के चारों तरफ घूमने लगता, किसी की आहट पाता तो भौंकने लगता। इसकी भौंकने की आवाज़ सुनकर मेरी जब आंखें लगी ही होती थी, नींद जोरों से थी, तो मैं उठ कर के इसे डांटता, डांट करके इसे चुप करा देता। लेकिन फिर भी मेरे लेटने के बाद फिर यह हट पाता, फिर दौड़ता, फिर चौंक भौंकता। क्या मजाल कि मेरे घर पर कोई परिंदा भी पर मार दे। इसके रहने से मेरे घर पर अत्यधिक सुरक्षा थी। इसके बावजूद भी मेरे घर एक बार चोरी हो गई, लेकिन उस चोरी में इस कुत्ते का कोई दोष नहीं था। हमारे घर पर में एक विदाई होने वाली थी, दिन भर धूमधाम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेच करके सो रहे हों, या कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ करके भौंकता रहा। किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अचानक रानी ने इसकी आवाज़ सुनी, रानी की नींद टूटी और वो कुत्ते के पास आई। कुत्ता दौड़ करके घर के पीछे भौंकता हुआ भागा। रानी घबरा गई, घबराने से उसने शोर मचाया। शोर मचाने से घर के और लोग भी जग गए। रोशनी की गई, देखा गया घर में सेंध है। कुछ चीज़ें चली गई किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो जाता। दिन में देखा चोर ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक वर्षा तो ऐसा लगा कि वह घायल होगा, हो गया बेचारा, मरते मरते बचा, नहीं तो उस दिन उसका वारा न्यारा हो जाता। कुत्ता थोड़े ही दिनों में यह सब जान गया था। यद्यपि इस घर का मालिक मैं हूँ, फिर भी यहाँ तो राज जहांगीर का नहीं, नूर जहां का चलता है। अतः रानी के प्रति सदा ही उसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मायके गई, या भी उसके पालकी के पीछे पीछे उसके साथ चला गया। रानी सोती थी, उसके पलंग के नीचे लेट कर सो जाता था। धीरे धीरे कुछ समय बाद जब मैं उसे लेने गया, मैंने रानी को कार में बिठाया, दरवाज़ा खोला इसे बिठाने के लिए, ये भयभीत होकर के वहाँ से भाग खड़ा। मैंने सोचा कि पीछे से बैलगाड़ी से सामान आएगा तो ये बैलगाड़ी के साथ चला आएगा। मैं इस बात से आश्वस्त हो गया। जब मैं अपने घर आया, बच्चों इस बात के लिए लेखक ने यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया है, ताकीद।
यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आकर के खड़ा हो गया। बच्चों, ये ताकीद का अर्थ होता है या विश्वास या आश्वस्त या कह करके, यानी उन लोगों से कहा और आश्वस्त होकर के मैं चला आया। जब मैं घर पर आया, मैं प्रातःकाल देखता, सुबह देखा कि ये सामने खड़ा हो गया। अरे यह क्या, सारा शरीर धूल धूसरित है, शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है जो ही हमारी कार आंखों से उछल हुई या बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहाँ से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, अब उनके व्यूह को वीर अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते या हमारे यहाँ पहुँचा। रानी ने इसे नहलाया, इसके जख्मों पर मरहम लगाया, फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। लेखक पूछ रहा है, आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त कर्तव्य परायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं। बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उस कुत्ते के साथ वो व्यवहार उचित है जो लेखक को उनके मित्रों ने सलाह दी कुचला खिलाने की, गोली मारने की? नहीं। क्यों नहीं, बताओ कोई। हाँ, बहुत अच्छे बेटा, जो हमारे साथ उपकार करे हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। हम कभी किसी की अच्छी स्थिति के ही मित्र ना हों, अच्छी स्थिति के ही साथी ना हों, उसके दुखों के भी साथी हों, उनकी पीड़ाओं के भी साथी हों। किंतु लेखक कहता है कि किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ तो मेरा मन उद्विग्न हो जाता है। लेकिन इस पर नहीं, इसकी हालत देख करके नहीं, संसार की हालत पर उद्विग्न होता है और कुछ अपना भविष्य सोच कर भी। लेखक सोच रहा है कि आज यह कुत्ता बूढ़ा हो गया, जब इसके शरीर में इतनी पीड़ा है, इतने रोग हैं और ये परेशान होकर के इधर उधर भाग रहा है, तो लोग इसे मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, क्या मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार होगा? यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज़ है? यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, क्यों जर्जर छीण बना डालता है? जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह धुतकार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना, विधाता यह तुम्हारा विधान कैसा है? बच्चों, लेखक ने कितनी मार्मिक बात कह दी। आप लोगों ने सुना है वृद्धाश्रम, तो सुने होंगे। सुने बच्चों, वृद्धाश्रम दो प्रकार के होते हैं। एक वृद्धाश्रम वो हैं जिन वृद्ध लोगों का सहारा नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनको सहारा देने के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम खोले हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कुछ वृद्धाश्रमों में या उन्हीं वृद्धाश्रमों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ देते हैं जाकर। क्यों छोड़ते हैं मालूम तुम्हें? जब बूढ़े माता पिता अपने बच्चे को कुछ गलत करते देखते हैं, बच्चे का अहित होते देखते हैं, तो उन्हें पीड़ा होती है और बच्चे के कल्याण के लिए जब वो बच्चों को डांटते हैं, तो वो बड़े हुए बच्चे अब अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं, तो बच्चों माता पिता की डांट उन्हें बहुत बुरी लगती है। रोज की डांट से, रोज की सेवा से बूढ़े माता पिता के, अब वो बूढ़े माता पिता हैं, उन बूढ़े माता पिता को भोजन भी चाहिए, अगर अस्वस्थ हैं तो दवा भी चाहिए, अगर असक्त हैं तो उनकी सेवा भी चाहिए। असक्त का अर्थ है बच्चों शक्तिहीन। बूढ़े, इतने बूढ़े कि उनके शरीर में शक्ति नहीं है, उन्हें अगर पेट खराब है तो शौच इत्यादि को ले जाना भी पड़ता है, उनके कपड़ों को धुलना पड़ता है, उनको नहलाना पड़ता है, ये सब नहीं हो रहा है उन बच्चों से। जिन बच्चों को उन माता पिता ने जन्म दे करके उनकी गंदगी
को साफ करके, उनके कपड़ों को धुल करके, उनको नहला करके, उन्हें राजा बेटा बना करके एक सामाजिक युवक बना दिया। वो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं और उनको वृद्धाश्रम में ले जा करके छोड़ देते हैं। राम वृक्ष वेणीपुरी जी मानो इस बूढ़े कुत्ते के माध्यम से हमें संकेत करते हैं, संदेश देते हैं, अरे मानव के, अरे संसार के, समाज के स्वार्थी मानवों, आज हम जो कर रहे हैं कल हमारे साथ भी ऐसा होगा। आज उस कर्तव्य परायण स्वामी भक्त कुत्ते की दुर्दशा को देखकर आप उसे मारने की बात कर रहे हैं, आप भी उस स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको भी लोग मारने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। अतः हमें कृतज्ञ होना चाहिए और हमें अपने ऊपर उपकार किए हुए उपकारों को ध्यान में रखना चाहिए और हमें सेवा सत्कार करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से एक संदेश दिया गया है, जब बुढ़ापे में मनुष्य की शक्ति छीन होने लगती है तो हमें उन्हें असहाय व निर्बल महसूस न कराकर उनके साथ दुलार मित्रवत व्यवहार करके उन्हें सुरक्षित महसूस कराना चाहिए। और इन्हीं के साथ में बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, आपने क्या सीखा? बहुत सुंदर बात। हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, हमें जीव मात्र प्रत्येक जीव की सेवा करनी चाहिए और जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमारे साथ उपकार किया है, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए बच्चों, इस पाठ के बाद में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम जान करके आश्वस्त होना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा है, क्या समझा है। बच्चों, पहला प्रश्न, प्रत्याशा आप बताइए, कुत्ता कहाँ बैठा था? कुत्ता बहुत अच्छा बेटा, खाट के नीचे बैठा था। ठीक है, बैठ जाओ। तनुजा बताओ बेटा, मित्र ने कुत्ते को क्या खिलाने की सलाह दी? बहुत अच्छे, मित्र ने कुत्ते को कुचला खिलाने की सलाह दी। ठीक है, बैठ जाओ। अंश खड़े हो बेटा, लेखक कुत्ते के लिए खाने को क्या लेकर आया था? लेखक कुत्ते के लिए खाने के लिए दही भात लेकर आया था। ठीक है बच्चों, मृत्युंजय, कौन सी चीज़ शरीर की शक्ति छीन कर देती है? बहुत अच्छे बच्चों, बुढ़ापा शरीर की शक्ति को छीन कर देता है। अथर्व खड़े हो बेटा, कुत्ते के पूरे शरीर पर क्या रोग था? ठीक है, कुत्ते के पूरे शरीर पर खौरा रोग था। मयंक खड़े हो, घर में प्यार और सुरक्षा पाकर कुत्ता कैसा बन गया था? घर में प्यार और दुलार पाकर के, बहुत अच्छे बेटा, सबल युवक बन गया था। कुत्ते पर किसने आक्रमण किया था, कौन बताएगा? शिवी खड़ी हो, कुत्ते पर चोरों ने आक्रमण किया था। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, आपने पाठ को समझा, सीखा। इसी के साथ आप विद्वान बने, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद बच्चों।